الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم النبيين وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أَلَمْ يَأْنِ لِلَّذِينَ آمَنُوا أَنْ تَخْشَى قُلُوبُهُمْ لِذِكْرِ اللَّهِ وَمَا نَزَلَ مِنَ الْحَقِّ وَلَا يَكُونُوا كَالَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلُ فَطَالَ عَلَيْهِمُ الْأَمَدُ فَقَسَتْ قُلُوبُهُمْ وَكَثِيرٌ مِنْهُمْ فَاسِقُونَ يَا عِبَادَ اللَّهِ عجب سرائے ہے دنیا کہ جس میں شام و سحر किसी का कूच किसी का मुकाम होता है। मैं तुहाडे सामने जिहड़ा शेर पढ़िया सूरा अल हदीद दी आयत पढ़ी उहदा बयान करना, मगर इस पारों बे साल च पिछे नज़र तुसीं मारो ते किन्ने लोग जिहड़े ओ रमज़ान मुबारक नहीं वेख सके, साल दे अंदर अंदर ही चढ़ गया। अजब सराय है दुनिया के जिसमें शाम और सहर किसी का कूच किसी का मुकाम होता है। कोई आ रहा है सराज कोई जा रहा है, यानी चंद दिन पहला बड़े पुराने दोस्त मुखलिस मुहब हाफिज मोहम्मद सुलेमान अल्लाह ताला ने रहमत करे फौत हो गिर गया घर च, बच्चे डॉक्टर दोवे लत्तां टुट गई, फिर कई देर तो मस्जिद ना आ सके वरना वो नागारी सी करते पूरे शहर तो उन्होंने मेरे इतमाद से हदीस की छान बीन आखिरी मेरी गल मन ली फौत हो गए, यानी थोड़े दिन पहला। हुण तुसीं वेखदे आ जगह जिहड़ी सी भी खाली है, इत्थे अपने दोस्त अताउल हक जिहड़े हर जुमा हुंदे सी वह भी बीमार हो गए, उन्हां दा पैगाम आया भी मैं पता नहीं हुण सारा रमज़ान भी मस्जिद च आ सकां या ना आ सकां। इस ते मेरे भाई ये दुनिया कोई दिल लगाउण दी जगह नहीं। मौलाना सनाउल्ला रहमतुल्लाह अलैह अमृतसरी अपनी तफसीर कुरान दे अंदर कितनी बार शेर नूं दोहराया, जगह दिल लगाने की दुनिया नहीं है, ये इबरत की जा है तमाशा नहीं। इतने असी तमाशा नहीं वेख रहे, अखा खोल के रही है, हर वक्त सारी अखा सुरमा पाँदी है, तू कि धंधे में लग्या किस तरह साथी तुरे जाते और तेरा भी कोई पता नहीं तू कदों इस दुनिया तो चला गया। ईरान के अंदर मलिक कुशवरा खाकानी बहुत लंबी नजम लिखी जिसे जानता, अला खाकानी है मिसकी चे बंदी दिल दरी दुनिया किता चश्मे जनी बरहम नाई बीनी ना बीनी। इस दुनिया खाकानी मिसकीन तू क्यों दिल लगाना कि अख चमकन तो बाद वेखना फलान ही रहा फलान ही रहा, यह तो जड़ियाँ सानवे चलाह मिलदियाँ, वरना पूरी दुनिया की चलाह हो तो उनकी मर्जी है गम नाली कि दुनिया जा रही। हर वक्त इस जान में लोग छड़ रहे, मगर बड़े अफसोस की गल है कि इंसान जरा ना जिमें शहद की मक्खी इस तरह फसया ख्याल नहीं करता कि दुनिया छड़ जानी है, कुछ अगे की फिक्र करिए। नेक रोज जड़े उन्हों का हाल है भी वह आम गलों चो भी बहुत कुछ सीख लेंगे। कोई शख्स जा रहा है, एक आदमी संतरे बेच रहा, वो अपनी बोली जानता से अच्छे संतरे आवाज दे रहा है, मेरे को अच्छे संतरे उर्दू जबान अच्छे संतरे। कोई खुदा का नेक बंदा से बेहोश होकर डिग गया, बड़ा रोया, लोगों ने आख्या यार तेनों की लभा, उन्हें आख्या तुम समझे जो आता अच्छे संघ तरे, किसी अच्छे संग लग जाए आदमी किसी नेक की सोबत बह जाए तो अच्छा दोस्त बना जाए तो तर जाता। वो सब्जी फरोश अपना अच्छे संग तरह कह रहा तो खुदा का नेक बंदा उस ही समझ रहा अच्छे संग तरे, जरा अच्छा के संग रल जाता वह तर जाना बेड़ा पार हो जाना। इस पारों मेरे भराओ अजीजो बड़ी मेरी थोड़ी खुशकिस्मती है भी सानू जिंदगी रमज़ान मुबारक नसीब हो गए, दरवाजे खुल गए तौबा दे, अल्लाह वादा दे रहा बाजा बाजा हर आंच हस्ती बाजा गर काफिरो गबरो बुत परस्ती बाद। आसमान तो हर वक्त ऐलान हो रहा हट जा छट जा इन्हों बुरे कमां, तू काफिर है तू अग पूजन वाला तू बुत परस्ती कुछ रहा छट जा, ई दरग है मां दरग है नौमीदी ने सत बार अगर तौबा शिकस्ती बाजा, और मेरा दरवाजा धक्के देने वाला नहीं, तू सौ वरी भी तौबा तोड़ चुका तो आ जा, मैं नहीं कहना भी इन्नी बार करने तो बाद आ गया। यहोजा रब आम महीना मुकर करे अपनी किताब तो अपने रसूल के जरिए सानू मुनादी करावे कि दरवाजा खुल गया दौड़ो, फिर गफलत की जाए तो बड़ी बदकिस्मती समझो बदबख्ती है। यह दिन ऐसे ही है बे आदमी साहब कोई रल खरा एक दिन तो अगे निकलो
खैरात करनी, नमाजा पढ़निया, जिक्र करने, रोजे रखने, हर शहर चारा करो मैं दूसरे को हरा दिया उन्होंने तो अगे निकल जा जन्नत की तरफ दौड़ो। असी छोटे होंगे सुनते रहे गल बड़ी प्यारी होंगी भी यही है। हम तो लोग कदों उठते चिड़िया का बोलना कुकरों दिया बांगा सुनते ही कोई नहीं, 8-9 बजे तक भी सुते रहेंगे। इन्हों कदों पता आए मुर्गे सहर जरा कदों रोंदा और चिड़िया कदों बोल दियाँ। मगर कह वाले अल्लाह के बंदे ने आख्या चिड़िया बोल गई तेनों गाफिला जागदा आए। और चिड़िया भी आवाज देती रात लंघ गई है पागला होनी उठ करो मगरे सुता रहा चिड़िया बोल गई तेनों गाफिला जागदा आई। बड़ा हकीम बड़ा दाना हकीम उमर खयाम है फलसफी है रियाजी दान है शायर है। मैंने तुम आता भी सुनिया जे तुम जो सहर का वक्त हों दिन चढ़न का तो कुकड़ बोलना शुरू कर दे परिंदे उस बोलते दानी हंगामे से पैदा दम खरूदे खरूसे सहारी दानी किचरा हमी कु नहा गए। तुम यही समझते भी जा कुकड़ बोलिया बोलिया नहीं मातम करना रो रहा उस हंगामे से पैदा दम खरूसे सहारी जो पै फुटन का वक्त आता तो फिर सहर के वक्त जरा ना मुर्ग दानी किचरा हमी कु नहा तेन समझ आती है कि उन्हें नौहा क्यों शुरू करता वो कुछ नहीं पर रहा रोंदा किस गल से रोंदा यानी कि नमू दंद दर आई ना सुबह कद उम्र शबे गुजस्त तू बेखबर वह पै फुटती जो नजर आ जाता उस शीशे ते पागल इंसान की एक रात गुजर गई है मगर काफल पाया यदि उम्र चो एक रात घट गई है मगर कोई अकल नहीं करता। इस तो मेरे भराओ चिड़िया बोल दियाँ सुनो तो भावे कुकर रोंदे सुनो हर शह दवाई दे रही है भी दुनिया छड़ जानी हो कुछ कर रहा नेकी कर जी तेरे काम आवे वरना है सारा कुछ कट्ठा कर लेंगा कारून बन देंगा जमीन के खजाने तेरे को की होगा छड़ के टुरदा होगा दूसरे मगरों लड़ते झगड़ते रहेंगे तेनू कख ना लभूगा उल्टा तेरे लिए सप्प बन जाएंगे दुख की अग बन जाएंगे भुगतता फिरेंगे। तो एक पुराने मजीद की है जी अल्लाह पाक ने उस उतारी सिर्फ 4 साल होए से लोगों मुसलमान होया तो हजरत इब्ने मसूद रज़ी अल्लाह अन्हु उस वे रब ने उतार दिता और असी सारे एक दूजे को देखने लग पाए कि यार साडा भी हाल हो गया कि रब न कहना पाया वफी सही है मुस्लिम ने इब्ने मसूद ने कहा मा कान बैना इस्लाम ना व बैना नात बन अल्लाह बिहाज लाया रम यान लिल्लजीन आमनु तखशा कुलूब लिज़िक्रिल्लाह इल्ला अरबासनी। सिर्फ 4 साल होए से इस्लाम चले अल्लाह ने डांट देती तो कदों वक्त आना जो तुम खुदा का कलाम सुन के अल्लाह तारा का जिक्र सुन के डर जाओगे तुहाडे दिल कंब जाएंगे अजे वक्त नहीं आया अजे तुहाडे च खामियां आराम जान और कदों वक्त आना कदों समझना तुम वेला नहीं आया अजे तुम कि तुहाडे दिल जड़े अल्लाह के जिक्र पारो जो कलाम खुदा ने उतारा उन्होंने सुन के लरस जान कंब जान वराइकून कल्लजीन उतर किताब मिन कबल ते मना वांगू ना हो जाए जिन्होंने थोड़े तो पहला भी मैं किताबा दिखाई वह भी बड़े बड़े आलम से पता ला रहे मुरम्मत मगर जो वक्त लंघ लम्मा हो गया काफ़ी मुद्दत हो गई किताब में कसत करो पढ़न पढ़ाउन रह गया खत्म होंदे रहे शबीने होंदे रहे दिल उन्होंने सख्त हो कोई उस कलाम का उन्होंने असर नहीं होया किसी ने तौबा नहीं की थी, कोई बात नहीं आया वह किसी रमन फासकूँ और ज्यादा उन्होंने चो फासक से बदकार 99% भी कहना है ज्यादती है हजारा चु गिनो किन्ने है जिन्होंने ख्याल है कि कुरान उतरिया अल्लाह का रसूल लैके आया साढ़े करतूत की है साड़ी कमाइया की है साडा मिलना जुलना की है साड़ी अदालतों पगा बन के चौधरी तुरे फिर गवाही दवानी नंबरदार दो पैसे ना जाने ना बुझे मैं गवाही दे देना वकील उनके नाल बैठे तो ऐ उम्मत जी अल्लाह पाक फरमाउंदा कदों वक्त आना तुम अल्लाह का कलाम सुन के अल्लाह का जिक्र सुन के जो डर जाओ तौबा करो ये साहब ते मेरे भरा बहुत लोगों ने तौबा की ये आवाज जो सुनी ना क्या ही अल्लाह पाक ने नहीं आख्या तौबा करो आराम जाने अजे वेला नहीं आया सुते पै जी कदों वक्त आना कि तुम खुदा का कलाम सुन के डर जाओ कई लोग रोए बहुत तौबा की सच्चे दिलों तायब हो गया अज उन्होंने जो चंद बने का जिक्र तायबीन भाई किस तरह तौबा की किस तरह गुनाह छड़ गए मगर मर नहीं सी गए दिल पत्थर नहीं सी होया जे साह हैगा सी जान हैगी सी दिल सुनिया जो उस वे कंब गए दिल पानी हो गया अखा चो आंसू बह बरे जश के नदामत के नाम आए सया बाबे दीदा तवा सुस्तो दसा सेवा मेरे भरा मेरा और तुहाडा जिकर नामा माल मेरिया भैन सुन दियाँ जमा सुन आ जाए अगर काले भी हो चुके दफ्तर तो फिर मैं कम तो छोटा जि ही है अख जी इतों कम लै
एक दुआ सुभा दे कल्या बह के सोच कीता की यार खुदा दे सामने की बनूंगा, दुआई नहीं मखलूक वेखूगी। ये जना कर रहा, फिल्म चल रही हो, ये चोरी कर रहा, ये झूठ बोल रहा, ये कट तोड़ रहा। बड़े दशके नदामत हूँ एक इलाज ही के अफसोस और शर्मसारी दा सुभा दे के नाम आए सिया। फिर काले दफ्तर भी जड़े ना बाबे जीदा तमाम सुस्तो दस्ते सर, अल्लाह पाक ने आप ही रस्ता रख लिया वे उधरों कचरा आंसू नदामत का कट उधरों माफी का कलमा अस्तगफिरुल्लाह कह दे, कम साफ हो जाओ, बिल्कुल पाक हो जाओ। जे तू वेखदा कि बदल काला आउंदा, शायर हर गल च समझ, अल्लाह ने उन्होंने बसीरत दिती, काला बदल आउंदा पानी का भरिया आउंदा जदों वर जांदा चिट्टा हो जांदा आंदा, जिस तरह काले बदल नूं बारिश सफैद कर दिंदी ना, इस दिनाख चो पानी बहाउण नाल गुनाह नेकियां बन जांदे, बिल्कुल धोते जांदे, बंदा चिट्टा हो जांदा। सिर्फ जरूरत इह सोचे वी रब दी दर जित तो कोई शाह छुपी नहीं, दुनिया तू धोखे दे सकदा, बहाने बना सकदा, बड़े बड़े तेरे को फतवे होंगे, मगर रब दे सामने की करें। जिन्हें जबान जी बंद कर देनी है, लिया मन से मलफा मुँह से सील लगा देनी है, तो हथा पैरों में आखना इनू नहीं मैं बोलूँ, तू गल करो कि तुहाडा कीता, हर हर शाह सामने आ जड़ी पल्ले की होगा तेरे फिर। तो नेक लोग कंब गया, डर गया, तौबा की, इस तो है जी मैं थोड़े सामने अच्छ पढ़ी, मैनू तुम्हें जगाऊंगी कदों वेला आना, तुम कदों समझना है, वक्त गवा देना दे मुख जानी है मुहरत, फिर रोंदे फिरोगे। वामल फुज़ैल इब्न अय्याज़ ऐ 251 सफा तफ़सीर अल कुरतुबी है 17वां जुज़ सूरा हदीद। फुज़ैल इब्न अय्याज़ अपने वक्त का बदनाम तरीन आदमी, डाकुआ का जत्था, बदमाशियां करनियां, काफले लुटने, वामल फुज़ैल इब्न अय्याज़ हूँ बहुत बड़ा इमाम है, बहुत बड़ा वली है, हा? हदीस के अंदर फिका के अंदर बड़ा दर्जे का मालिक है। तौबा कर नसीब हुई, डाकू बदमाश आदमी वामल फुज़ैल इब्न अय्याज़ फकाना सब तौबा थी, अन आशिका जारियतन फवादत लैला, किसी लड़की ना मुहब्बत कर लग पाया, उसना इश्क हो गया, उसना गल कर ली बे फलां रात मेरी जरी मुलाकात होगी, फबैना हुआ यतिक दुरान लहा इस समय कार यकराओ, एक कंध टप्पण दिया उसके घर में जाने लिए, तो उधरों कुरान का कारी पढ़ रहा, किसे कुरान शरीफ पढ़ने वाला उसे पढ़ता, ये दीवार टपदा, ये हो आयत सामने आई, अलम यान लिल्लजीना आमनु अन तख्शा कुलूबहुम ज़िक्र, और कदों वक्त आना है जदों तुम खुदा का कलाम सुन के डरोगे, कदों तौबा करोगे। महाराज अल कहरा वाई पूर बला वल्ला कला मुड़ पिया उतो ही आख्या, हाँ अल्लाह की कसम वक्त आ गया, आना कदों आ गया, तौबा कर ली। और फिर जिसमें गया पावा लैला खरे बतन मुशिया जमा तुम साबिला, मुड़ के एक जंगल वालू निकल गया, उत्थे मुसाफरों का एक टोला डेरा लगाया, सफर कर रहा थी मुसाफर, वो बैठे थी बाद में पूर्व बाद आपस एक दूजे आंदे इन्ना फुज़ैल एक तो तरीक बई फुज़ैल बड़ा डाकू है, कि जे इत्थे ही ना हो डाका ही ना मार लवे, फकार फुज़ैल पा रानी बिल्ला गया साफी बास ला कौम नाल मुसलमी खाफ हो रहे, और देखा अल्लाह फुज़ैल जैसा भी इस दुनिया को गंदा होना, कि एक पास औरत मगर तुरया फिर ला, और दूसरे पास मुसलमान डर है कि फुज़ैल ना कितने मत्थे लग जाए, मैं इन्ना दुनिया बदनाम हो गया, अल्लाह मैं तुब तो रह मैं तौबा कर लिया, तो यार बाहर आया ना ये औरतों ने ना ये डाके, अल्लाह मैं तुब तो रह जल तो तौबा थी लैका दीवारा बैठ खिला रहा, मैं तौबा की बाहर आया ते तेरे नाल मैं वादा कर लिया हूँ बाकी उम्र तेरे घर के कोल गुजारने, बर्दाश्त नहीं रहना हूँ हरम शरीफ जाके मक्के बह जाना, देखो वो डाकू वो बदमाश किमें फिर कुरान पाक दिए कैद ने, बस अल्लाह अल्लाह जब दिल पत्थर हो जाते हैं पढ़ी जाने की फायदा, तिलावत होंगी रहनी है खत्म होंगे रहने असर कोई नहीं, एक कैद भी नहीं जिते तुम रोन आ जाए। फुज़ैल फिर बगदाद तो टुर पिया, मेरे भरा मक्का पहुंचने के खड़ी किन्ने साल लगे, एक कदम उठा लेंदा दो रख नमाज पढ़ लेंदा अगला कदम चुक लेंदा पढ़ लेंदा नमाजा पढ़ता हरम शरीफ गया, और बाकी सारी उम्र फिर हरम गुजारती मुड़ के नहीं मक्को निकलिया, उत्थे ही तवाफ करने ते दीन सिख्या, आलम बड़िया हदीसा बयान कीतियां कुरान बयान की, वक्त फिर यह आया ऐसा चोर ऐसा डाकू वक्त का खलीफा हारून रशीद मक्के आया, उन्हें अपने वजीर रबी नूं आख्या कि रबी मक्का इत्थे बड़े बड़े औलिया जमा होंदे आ बाहरों दुनिया हाजते आउंदी, मैनू को सच्चा रब वाला आलम टकरा,
उन्हें आख्या हाँ वो ठीक है गल लै गया इमाम सुफियान सौरी से उस जमाने से इमाम सुफियान इब्न उयैना जी बड़िया बड़िया टकराया बड़िया गल्लां सोहणियां कीतियां मगर चलन लगे खलीफे ने पूछ लिया भी हजूर खिदमत का कोई मौका दो किसी ने आख्या मेरे से इन्ना करदा किसी ने कुछ उन्हें आख्या दो थैली और बाहर निकल के उन्हें आख्या रबी ए आलम नहीं जिन्हों मैं मिलना आलम बड़ा मगर मेरे कम दा नहीं वजीर आलम फिर आख्या हजूर फिर एक बंदा रह गया टकरा देना इस फजैल को लै गया है जिन्हों मैं रहमतुल्लाह अलैह कह रहा दीवारा टपदा से औरतों की डाके मारदा जिसे गया अंदर दीवा बढ़ता से नफल तहज्जुद पढ़ता से दरवाजा खटखटाया रबी ने आख्या मैं रबी है वजीर आजम मेरा नाम मीर मोहम्मद हारून है मिलना चाहते उन्होंने बत्ती दिती बुझा तो दरवाजा खोल के गुठना लग गया ये हम हथ मारते मारते पहला हथ खलीफे का ही उन्होंने पिया तो हारून ने आख्या खलीफे ने हजरत तुम कि चुप अभी तो लभ ही लिया उन्हें गल समझाने क्या आ गया मीर मोहम्मद हथ तेरे बड़े नरमोदास क्या पर जे तू दुख तो बच गया बेहोश होकर नहीं उन्हें आख्या जब जहन्नम तो बच गया तो हाथ बड़े पूरे है तेरे मगर वक्त बड़ा औखा होना सुरता ही कहन लगा कुछ सुना उन्हें आख्या सुनाना यही है कि मेरी जिंदगी डाकिया और बदमाशियां गुजर गई उम्र बर्बाद हो गई मैं हम तौबा करके हरम च बैठा ना मैनू इस तो बाद मिलना ही तो ना मैनू बुराई मेरा वक्त हर दाखा मैं किसी को मिल के और की लैना कोशिश कर रहा पिछली कदर पूरी करा मैनू माफी दे कह लगा को खिर नाल क्या भी गल सुन ला तेरे लिए इन नसीहत है भी जिस जगह से तू बैठा इतने कभी हजरत अबू बकर भी बैठे थे हजरत उमर भी बैठे रजी अल्लाह तआला वो ऐसे कम कर गया दुनिया जहान दुनिया का ना रह गया भावें वह बन गई तो भावें इतने बै कारून तो फिरौन भी बैठे है तो लानत खट गया कुरान पढ़िया ही उन्होंने ना रही ये हूँ तेरा अपना ऑप्शन है तू जो मर्जी फैसला करी फिर रोया तो कह लगा अखीर को खिदमत का मौका उन्हें आख्या खिदमत यही पड़ी है गां मैनु मिल वास्ते ना ही ना मैनू चली बाहर निकल के उन्हें आख्या रबी यार योजा बंदा चाहिए सी वेख उन्हू मेरी दौलत की कोई नहीं मेरे खजान की लड़ कोई नहीं अल्लाह का बंदा आवाज च लगा तो तौबा कर तो हुई इसे है ऐकारी ने मुँह सुनी आप उस इरादे ना जा रहा कन च पई तो उन्हें रो के आख्या कि हाँ वक्त आ गया अल्लाह आना कदों मेरे से आ गया तौबा कर बाहर आ गया इस तरह एक वाकया ऐ कुरान मजीद की तफसीर है तरकी के अंदर नौवीं जिल्द है रूहुल मानी और ऐ शेख इस्माइल हक्की उन्होंने लिखी इसे ऐप के तहत लिख दे एक बड़े बुजुर्ग मालिक इब्ने दीनार वो अपनी तौबा का जिक्र कर दे कि मेरा हाल यह सी ये समझो नौवीं जिल्द का 365 और 366 अन्न सवैला रंता साबा बेतौबा थी इधरों सुन के इधर नहीं करनी मैं भी तौबा करनी अगला पता नहीं रमदान लभना करनी बुआ खुला वर जाओ ये अंदर इमाम दैन अल्लाह जी ने सलाम फरमाते अल्लाह ने यार तो गुनाह की बख्शली दरवाजा आप खोलिया वह नाम बाबो तौबा रखा तहू आवाज मारी तो हूँ उस व्डा ना लैक किड़ा भी फिर खुलन तो बाद ही कोई सुस्सी करे तो दाखिल ना हो वड़ जाए तो चार दिन लंघ गया तो पता नहीं कदों मुक जाने तो पूछा लोगों ने कि हजरत तुम तौबा कि बकार कुन तो शुरती कुन तो मना मैं कन ला शुरत पर खबर कह लगा मैं पुलिस का मुलाजम से सिपाही सी तो शराब च डुबा रहा पींदा रहा फिर मैं एक बड़ी खूबसूरत लौंडी खरीद ली ओदा हुसन मेरे दिल समा गया एडी प्यारी लभी औरत कि मैं हर वे उस मुहब्बत करता उस चो अल्लाह तला ने मैनू एक बेटी दिती पशु इफ तो बया उस बेटी ने मेरा बड़ा प्यार हो गया मैंने बड़ी सोहनी लगे मैं मुहब्बत करा जब वह जमीन पर चलन लग पी फिर मेरे दिल से उस बच्ची की और मुहब्बत बढ़ गई तुरन फिरन लग पी ओ मेरे ना बच्ची प्यार करे मैं उस ना करा मैं जो शराब रखता पीन लगता वह आँगी मेरे को खिंच लेंगी तो मेरे कपड़िया से डोल लेंगी लाड़ना ही जदों दो साल हो गया तो बच्ची गई मर ताक मैं हुजन लाया उस बच्ची दे मरण का मैनु गम बड़ा आया बहुत सदमा होया फलम कानत लैलत निसे मन शाबान व कान लैलत जुमा जदों फिर 15वीं तारीख शाबान की जो पिछे गुजर गया तो रात जुमे की सी बित तो सामिल मिल खम मैं उस दिन शराब पीती बेहोश हो गया वलम सल सलात लिशा इशा की नमाज भी उस दिन नहीं मैनू नसीब हुई शराब ने मैनू अपने अंदर ना काबू कर लिया मैं फिर वेख्या कि कबरां वाले जड़े कबरां तो बाहर निकल आए खाब बेना मैं बहुशरल खलाय मखलूक जड़ी वह भी कट्ठी रब ने कर ली वाह माह हम
ते मैं उन्होंने नाल फसमे तो हिस्समे राई मैं अपने पिछे कोई आवाज मालूम हुई कि कोई शह ओदी आवाज है फलत फतो फैजा आना बे तिन्नीन अजीम आजम माजकून असद अदरक मैं वेख्या कि एक बहुत बड़ा इधा सप बहुत काला एडा वड्डा शायद उस तो वड्डा सप हो ही ना सके कद फता फा हो मुसरे नहवी उन्हें मूँह खोलिया तो मेरे तरफ तेजी ने दौड़ा आता मैं वो अगे फिर नट पिया घबरा गया डर गया रस्ते के अंदर पमरत तो फी तरीकिन बेशैखिन की सियाब तय बिराया रस्ते च मैनू नजर आया एक बाबा बैठा बहुत बुढ़ा जिसके कपड़े बहुत साफ सुथरे है तो खुशबूदार है मैं उन्होंने सलाम किया उन्हें सलाम का जवाब दिता तो मैं आख्या मैनू बचा मेरी मदद कर आ सप मैनू निकल गया इन्हें मैनू नहीं छड़ना काल आना जई बहाद आकवा मिनी बमा आखिर लै उस आख्या यार मैं कमजोर हाँ बहुत बुढ़ा माड़ा ये सप है डाडा तो मैं इतने काबू नहीं पा सकता मेरे बस की गल नहीं मैं इनू रोका तू इंज कर जल्दी कर ते तेरी ना दौड़ शायद अल्लाह ताला तेरे लिए कोई बचन का सबब बना दे मेरे बस हो गल बार जहाँ से मैं दौड़िया एक उच्चे जगह से चढ़िया उत्थे फाश रफ्तारा तबका तिनी नाल बुलंदी से मैं वेख्या अल्लाह ने परदे हटाते दोज़ख दे तबके नजर आए अग बलदी दुनिया सर्दी सी वह नजर तो इलाह लिया दोज़ख वालों ने वेख्या फके तह भी की हा मिन फज़ल तिनी वाह फी तलबी सप मगर चढ़े पारो मैनू खतरा महसूस है डिग दूंगा फसा भी साहेब इर्दे फलस्ता मैं हरिया आवाज देने वाले ने एक ने आवाज दी मुड़दा तू दो सिया चो नहीं मैनू एक खुशी की खबर साहब की सुनाई दी फतमानन तो इला कौली वरजा तो ओदी गल से मैनू कुछ तसली मैं मुड़िया और मुड़ के उस बाबे को आया जो कमजोर से बुढ़ा कुल तो या शेख सैल तो कान तुझी रनी मिन हाजत नींद फलम तफल बाबा जी मैं तुम्हें आख्या जी सब तो मैं बचाओ तो तुम मेरी कोई मदद नहीं की बका शेख शेख रोया बुढ़ा बहुत रोया बकार आना सही कह लगा बेटा मैं कमजोर मैं सपना किस तरह लड़ सकता तू इस पहाड़ की तरफ दौड़ जा फैन नफी हदाया लिल मुसलमीन इस पहाड़ चलाने एक जगह से मुसलमानों की अमानता रखियां अमानत की गल अगे उत्थे अमानत लोगों दी पईयां ही फैन कहना काफी वधिया फसा तन सुरका जे तेरी भी अमानत कोई उत्थे होई ते शायद वो अमानत तेरी मदद करे मेरे बसो गल बार मैं सप नूं नहीं कुछ कर सकता इस पहाड़ वाल चढ़ जा उत्थे मुसलमान दी अमानत अल्लाह ने महफूज जे होई ते तेरा भी कुछ बचा हो चनाचे मैं वेख्या ते गोल पहाड़ सी उहदे अंदर जगह जगह ते ऐसे समझो रखने सी बने आले ताक कुआ मुखरका वस्तूर मलका बिल्कुल उन्होंने अगे परदे लटकते अरा खुले खौखरा सोने दे खारस सोने दे अगे ना कवाड़ बने से दरवाजे फसलान बल वाखी मुखलान बेदुर मोती उन्होंने दरवाजा से लगे सी परदे जड़े से वह भी आला और हर जरा किवाड़ उत्ते रेशमी परदा से जदों मैं पहाड़ नूं वेख्या रोई तरफ दौड़ा तो सब पिछे ही हद पैदा करो तो मिनो साहबादुल मलाइका इरफा सतूर वफतल मथारिया व अशरफू उस वे फरिश्ते ने आवाज दी कि जड़े इतने खुदा की अमानत दे दरवाजे खोल दो तो परदे चुक दो तो दौड़ के आ जाओ इस गरीब की मदद करो ठीक तो वधिया तो तुझी रो मिनो तूवे तुहाडे अंदर खुदा की जी अमानत मौजूद है जी इन्हू बचा सकती वरना उन्हें बच नहीं सकती वैदा सतूर कद रोफियत फिर मसारी कद फोजियत मेरे वेंद्या परदे चुकते गए किवाड़ खुल गए दरवाजे वाशरफू हाँ वो सारे जड़े से निकल आए वाशरफा लिया अथवाल बेवजूह कल अकमार निके निके बच्चे निकले अमानता ऐ बच्चा छोटी उम्र मरदा सी गमगीन होने बच्चा चल गया अल्लाह दे रसूल सलाम फरमाया तेन पता तेरा किन्ना फायदा होगा ये जवान रहा की होंगे एक दिन तू भी चला जाए भी मरद यह छोटी उम्र जे मरद अल्लाह इन्होंने जो जन्नत दाखिल कर लगेगा यह अल्लाह ना एक काबिल वकील की तरह झगड़ा करे असा कोई नहीं जन्नत वड़ना जब तक साढ़े मां बाप को जन्नत ना वाड़ेगा इस तो जन्नत च लगान नेक हो गए कोई अल्लाह तो डरते हो गए बच्चे आ गए चंद वर्गी उन्होंने शक्ल कर बत्ती नींद मिनी उधरों थप भी नेड़े हो गया हई यर तो फी अमड़ी उस वे मैं अपने मामले हैरान हो गया हूँ की बने फसा बादल थवाल वह हक मशरे फूकुर कुंभ कद करो मैनो उस वे कुछ बच्चे बोले और सारे निकल के आओ इस बेचारे की मदद करो सब तेरे करीब पहुंच गया अशरफू फौज अंबाला फौज फौज दर फौज निकले फायदा बिबना चिल्ला थी मात
वो दो साल की मेरी बच्ची भी जड़ी सी मरी आ गई मेरे सामने आई कद अशरफत लिया मां फलम रातनी बकत जदों मैंने वेख्या तो बड़ी रोई कर दबी वल्ला है कहने लगा कहने लगी अल्लाह की कसम मेरा अब्बा आ गया सुमा बस बची किफत नूर करमियत सहम जिस तरह तीर जोर ना चलाई दा इस तरह सोने दे पल कानून उठी हत्ता मसरत बहन आ गई मेरे सामने खड़ी होगी फमद जदा शिमार लाया दिल यमुना अपना खब्बा हथों ने मेरे सज्जे हथ वाल बढ़ाया फतल लग तो पिया मैं उस हथ न फड़ लिया चिमट गया फमद जदा यमुना फल हार बन तो सज्जा हथों ने जरा सापल किया तो सप मुँह फेर के भज गया सुम आ जरा सतनी फिर बिठा लिया उस बच्ची ने मैनू वकाद थी हजरी जे मेरी गोद बह गई जरा बदल यमुना ला रही थी अपना सज्जा जरा मेरी दाड़ी फेरिया पा अबे ना प्यार ना वकाल दिया बस हलम यार लिल्ला दी ला मनु अंतक्षा कुरू को देख लिया ऐ हो यार तो नहीं पड़ी गया बाजी अजय वक्त नहीं आया अभी तू खुदा ला कलाम सुन के डर दे होनी बार राजा की हाल तू देखिया खुदा ला कलाम सुन के तेरा दिल नरम नहीं होया पब कह तो वकुल तो या बनैया वहन सुन तारे फून कुरान मैं रोया तो पूछा बच्ची तो हनुमी कुरान का पता ऐ छोटी उम्र वकाल या बात है ना हनुआ रफो बे मैंने कुम बच्ची क्या नहीं है बाजी तो आना सानू कुरान दा ज्यादा इल्म है अल्लाह ताला इस दुनिया सब बच्चे अनु पढ़ाऊं दा सिखाऊं दा कुल तो फख बिजी नहीं ने तिनीन अल्लाह दी रादा ये होले करी मैं पूछा बेटा सब जरा मेरे चा मगर चढ़ गया से की शायद सब मेरे तोड़े मगर चढ़िया मुंह खोले आओ होश कोई नहीं सानू बेटी ने अकाल दा कामल अमल का सौ अब्बा जी तुहाडे बुरे अमल आ जो तुम शराबा पीतियां बदकारियां कीतियां पुलिस रह के जुलम क्यों सारे सब बन गए वो सब तेरे मगर चढ़िया मुंह ने खोलिया तेन खा जान लगा कारत मैं फिर पूछया कवैता फरा दाई नारे जन्म वो एडा वा तद हो गया भी तेरे करतूत ही ऐसे तू तो अपने बुरे अमलों ने पाल दिता इनी ताकत फट गया वह मुकाबला कौन करे हूँ तेन हूँ दो दुख दाखिल करना चाहता कुल तुफक बिरी नहीं शेख लदी मृत बी फी तरीकी मैं आख्या पुत्र उस बुढ़े का दस जिसे कपड़े साफ सुथरे से खुशबू आँदी सी मगर कमजोर दो बारी आया उन्हें आख्या मैं नहीं मदद कर सकता कालत या बत काम लोग साले उन्हें आख्या तुहाड़ियाँ नेकियाँ गुना बहुत व्डे बनाते नेकी जी कमजोर है वो नेक अमर ही बुढ़ा बैठा उस जान हानि हूँ वो एडे वे सप का मुकाबला किमें करे मुसलमान छोटे छोटे बच्चा जिन्होंने अल्लाह तआला ने इस पहाड़ च रखा आया और सानू क़यामत दे दिन तक ऐसे ही रखना नन तदरकुम तक दबून आला असी अड़ीकदे आं तुसी साडे पिछले कदों साडे को आगे फरश वालकुम असी तुहाडी सिफारिश करांगे जे सबर कीता दीन ते रहे फन तबत फाजन मालिक बिन दीनार ने अपना सारा ख्वाब सुना के लिखो कैसी कहानी मेरी तुहाडी कि सप बनया होया खाना चाहुंदा असी फिर बुढ़े को मदद मंगने बुढ़ा का मैं हम की कर से मेरी ने जान कर दी थी नेक अमल में मैं कमजोर घबराया फलम सबह तो फारक तो मा कुन तो लो तुब तो अल्लाह तारा कह लगा जो फिर दिन चढ़िया मैं फिर वो सारे कम छड़ दिते जिन्हें लगा रहा सी और अल्लाह की तरफ तौबा कर ली वहा सबब तौबा थी बेटा मेरे तौबा करने का सबब ये बड़े इस पारों मैं तौबा के दरवाजे से आ गया तो छट गया गुरु वो सारे जड़े थे ना मैं भुला दिते अल्लाह तारा की तरफ रजू कर लिया ये समझो 365 और 364 नौवीं जिल्द रूहल बयान बाकी मैं ना करोड़ा दरूदो सलाम है अल्लाह के पाक रसूल से कुरान च अल्लाह ने जिक्र किया बे अल्लाह और फरिश्ते सलाद भेज दे ईमान तुसी सलाद सलाद भेजो ते नाल पाई आख्या वसल्ले मुतसलीम किसे ना कहो सलाम बहुत पढ़ते सलाम तो अल्लाह ने आख्या इतने अरबी बड़े लोग बैठे सले मुँह से रहा कि सलाम भेजो तस्लीम बहुत ज्यादा भेजो सलाम भेजो जिमें सलाम भेजने का हक है।
इस पारों अल्लाह का रसूल इस लाया क्या ओदी शान है, ओदा एहसान का बदला असीं ओदे वास्ते हर वक्त दुआए रहमत करिए, दरूद शरीफ पढ़िए, सलाम कहिए। ते सलाम दे बारे च अल्लाह दे पाक पैगंबर ने वादा किया बे क्यामत तक जदों कोई मुसलमान मेरे से सलाम कहूगा अल्लाह ताला मेरी रूह नूं मुतवज्जे करूगा, मैं ओदे सलाम का जवाब दूंगा। एदो वड्डी खुशकिस्मती हैगी साडा जिक्र होवे हजूर दे सामने, हजूर हाँ मेरा उम्मती यार अल्लाह ताला उत्ते भी रहम फरमा ते खैर और बरकत कर। बहर सलाम कुन रंजा जवाब लब के साथ सलाम है मरा बस जके जवाब। शायर आंदा अल्लाह दे रसूल मैं भी नहीं आंदा ते मेरे हर सलाम ते अपने लबां नूं तकलीफ दे, इन्हां नूं तंग तुहानूं करी क्यों करां, मेरे लखां सलामां दा इक जवाब भी तू दे चलें दे जी मेरी बड़ी किस्मत। इस तो अल्लाह दे पाक रसूल अलैहि सलाम ने जिस तरह अल्लाह की रहमत का बयान किया जिमें रब की शान दसी है, यकीन जानो जिमें अल्लाह पाकां दा वल्लदीन आमनो शद्दो बल, रब का डर दस दस के असी रब तो डरा दिता। दुनिया जो हो गई ब्यो भी कोई दहा है, कोई सप है, कोई खौफनाक हाकम है, कम हो गया खराब, दीन ही नहीं दस। बिल्कुल अल्लाह का खौफ जरा कुरान हदीस जरा वो भी पाई मुहब्बत पारो हाँ खतरनाक होने पर गल याद रखनी जी। एक नर हों डरना कह तो क्यों बड़ा खतरनाक है, चोर डाकुआ तो डरने कोई जालम बादशाह तो डरने, एक डरना जरा अपने बाप तो डरने अपने उस्ताद तो डरने, उसे खौफ नहीं उसे यह है कि साडा भला कर दे बेहतरी चाहते हैं, इस तो मैं इन्होंने नाराज करके अपना बेड़ा क्यों कर रखा। उस मुहब्बत का जज्बा अल्लाह पाक का जो कोई कहना ना मेरे तो डरो मैं नाराज हो गया मैं गुस्से हो गया थोड़ा की बनूंगा, शैतान तुहानू उहदे चेले फड़ लैणगे बर्बाद हो जाओ। ये मां बाप का डराउणा कि साडे नाल रह इहदे चेरी बेहतरी। तो अल्लाह दे रसूल अल्लाह सलाम दी हदीसां जो पढ़ी दियां एक दो मैं पढ़ूंगा। रब दी शान अल्लाह हजरत पाक फरमाउंदे ऐ सही हुल जामे सही रियाद दी इहदी हदीस नंबर जिहड़ी है ये समझो 1871 मुसनद अहमद से सही मुस्लिम दी है। हजरत अबू मूसा शरीफ ने बयान फरमाया इन अल्लाह तारा यब सुद यदा बिल्लैले ये तू व मुसीन्ना है ए नशा है ऐसा वज दिया बे बयान करने की हिम्मत ही नहीं, जिहड़ा बयान की करे कायनात का मालिक जमीन आसमाना का मालिक जिहड़ा कुछ भी नहीं बिगड़िया असीं सारे ही दोज़ख जाइए। इन अल्लाह तारा यब सुद यदा बिल्लैल रात दे वक्त ही अल्लाह तला अपने हाथ फैला के बैठा रही पता तुम जिन्हें किसी कोई कोई शह लैनी हो हाथ फैला मिसकीन आ क्या मेरे हाथ यार रख दे कोई अल्लाह हाथ फैला के बैठा मालिक कायनात रहमान और रहीम रब यदाउ बिल्लै रात हाथ फैलाई बैठा रहा लेकिन तू बा मुसीन नहार कि दिन किसी ने गुनाह की जब कम अज कम रात में हरामी तौबा कर दिया तो बाद आ जाए मैं बख्श दया वह यब सुत यदाउ बिन नहार ले तू बा मुसीन लै तो जिन्हें रात को किए उन्होंने दिन के वक्त भी हाथ फैलाई जरूरतमंद असी हाँ मगरों साड़ी बोस्तान दे शुरू जदा तेरा सका बाप एक दो बारी गल ना मने धक्के मार के घरों कर दिता है वाले किन खुदा बंदे बाला पस्त देसियां डरे रिज बरकश ना बस एदा भी कोई खुदा लभना तेनों कि तू इनिया ना फरमानिया कर हर वे वेंदा हुक्म तोड़ दिया वाले किन खुदा बंदे बाला पस्त हर उच्चे नीवे का मालिक देसियां दरे रिस्क बरकस ना बस ऐनी दुनिया किसी दे रिस्क का दरवाजा बंद किया शराबिया मिल रहा दानिया मिल रहा खा पी रहा मन दे नहीं मन दे रहा नहीं तो बंद कर दे मारो इन्होंने खत्म कर दो अल्लाह कुरान पार बनता मैं थोड़े तो कहा पै जाता तो हूँ जमीन से कोई रेह नहीं दिता मैं किसी सारी वेली हुई होंगी मगर मैं एडा नहीं कला कैसी प्यारी हदीस है कि रब हथ फैरा के खड़ वो आप मंगता है तौबा कर रहा है तेरी तौबा का तार ब्या तो फायदा करना हदीस पाक चाहता कि फरिश्ता जरा सज्जे खब्बे ये नेकियां लिखता है बदियां लिखा बदी जो आदमी कर नेकी करता उस वे लिख रहा बदी करता तो अपने नाल दिन आता तू रुक जा ना लिख मुड़ दे चल ठीक है 7 घंटे तक हजूर ने बड़ा सीता सा 6 घंटे तक रोकता 6 घंटे जो गुजर जाते कि लिख ला हूं यह करा मैं नहीं आता तौबा नहीं की हूं तू नोट कर यानी 6 घंटे तक कागजी काले आन दिता भी बंदा बन जाए तौबा कर मगर इंसान एडा काफिल पुलिस पिया जाते हैं जुमे अव्वल के लोग जुमे च ही नहीं जाते नमाज ली आके रब देख लिया मौलवियों ने की सुना यार काफिल एक दूजे आखना कर दे धंधा है मिम्बर से सी बेवास करो ऐसी बात कहो भी तो भी दिल पानी हो जाए जे भी तौबा करके जा 7 दिन
इन्हों की बैटरी चार्ज रहे, मगर बजाए कोई नेकी सिखाने के फतूर ही फतूर। फसाद के गढ़ बड़े आ, बम मस्जिदां पैंदे आ, नमाजियां लोग मारते, कम जी नहीं चंगा करते, कोई हैगी गल? अल्लाह का दीन दसदा पे दूजे कढ़ो नहीं, दीन छड़ के अपनी गुमराही फसे। अल्लाह के दीन दियां बातां है कि तौबा कर। अगली हदीस पाक है जिदे फरमाया इन अल्लाह ताला युमर 1918 इन अल्लाह ताला युमर। हर जमाने च ठीक है गल, मगर हुण ते भाई मौसमे बहार आया ना, हुण ते बारिश जोर दी लठी है। इन अल्लाह ताला युमर, अल्लाह ताला मोहलत दिंदा बंदे नूं हत्ता इज़ा काना सुलसुल लैला, जदों दो हिस्से रात दे लंघ जांदे ना ते तीसरा हिस्सा अखीरला रह जांदा, फजर दी बांग होण तों पहला तीसरा हिस्सा। नज़रा इला समाए दुनिया, बजाय दे वी तुसीं सफ़र करके मिलन जाओ, जो कुछ भी सारा आलम गैब का मामला सी, जितना आया ईमान रखना, बाकी अल्लाह इन्हां चीज़ों तो पाक है, उन्हें आना जरा की है, मगर बयान अल्लाह की रहमत है ही है कि उस वे फिर थले दे समान से आउंदा, नेड़े दे समान से आ जाता। फनादा ऐलान करदा हल में मुस्तफिरन, कोई है परा मानस ऐसे जागदा जरा मक्शे की दुआ करे, हल मिन तायबन, कोई है तौबा करने वाला कि मैं उसकी तौबा कबूल करा, हल मिन सायलन, कोई मंगण वाला है कि मैं उन्हें देवा, हल मिन दायन, कोई दुआ करने वाला है तो उसकी दुआ कबूल करा, हत्ता यन फजर, फजर फजर होने तक ऐलान करदा है। तीसरा ऐसा रात दा नूर आवरत बसीना ओ जुलमत बुरत दे दिल, हंगामे सुबह आखरे शब आगरीसन, पठा बठाता कुरान दे खुलासे सुनो ते फलाने, थोड़ा वक्त है दिन नूं पढ़दे फिरो ते कुरान शरीफ सारा हाजिर तुहाडे कोल है, कम नूं लम्मा ही करी गया। पहला 8 रकतां अल्लाह दे रसूल अल्लाह सलाम पढ़ियां सी, बयान इहदा भी करना क्योंकि मौलवी हज़रात ने इश्तिहार इहनां दा 8 ते कदी रहियां नहीं, कैसे बेहयार बेशर्म कि तुसीं एक सच्ची बात नूं छुपाउण लई एड्डा वड्डा झूठ बोलदे, हां 20 बणाईआं वीआं दे विच हुणे शुरू हो गया भाई, खुलासा उहदा बयान करो, लंबा ही लंबा कम उह जिहड़ा वक्त सी ते पिछला हिस्सा रात दा उहदा पठा बठा के तुसीं रख लैणा। हज़रत उमर जी ने की आख्या सी जो वेख्या जमात होंगी, उन्हें आख्या भाई ठीक है अच्छी बिदत है मगर असल वक्त का पिछला। सही बुखारी मुस्लिम खोल के आख्या जी नमाज पढ़नी चाहिए उस सौ रेंगे जे है वल्लाती तनामूना ला अफसल मैं लाती तकूमू, ये जी पढ़ते जे ये कितने नमाज अफसल है कि जाके सौ ईशा पढ़ के और सवेरे तहज्जुद दे वक्त उठो, नाले सुन्नत का सवाब मिले, 11 रकतां नाले अल्लाह उतरिया आप आसमान से आया हो तुम उस दुआ करो। इस तरह उन्हें कोई कसर नहीं छड़ी, शाह वली अल्लाह रहमतुल्लाह फरमाते ठीक आम लोगों की सहूलत दी, अगर साहबा किराम ने पहले वक्त करता वल कौल बैन आखिर लैल अफसल, ये उन्होंने कला कला नहीं दस के गया तो आखिरी वेला अफसल है, वह फिक्र क्यों गुम कर रहा तुम अपन रौनक नहीं भी अफसर पैसे मिलने चाह हो पखंड छोड़ो इस गल लाओ जी असल है कि 4 फर्ज और 2 सुनता पढ़ के साया करो, इशा मुक गई है हजत वे उठो मिसाक करो खुशबुआ लगाओ और 11 रकतां पढ़ो। जो अल्लाह ऐलान कर रहा कि बख्शी मंगने वाला कोई है दुआवा करने वाला है, तद शायर आंदा कि रात का जिससे आखिरी पैर होंदा और सुबह होने वाली होंगी है, हंगामे सुबह आखरे शबा गरीस्तन, उधरों पैर फुटने वाली होवे उधरों रात के आखिरी हिस्से टूर हो रहा हो। हजरत अब्दुल्ला बिन उमर रज़ी नफल पढ़ने मुड़ के पुछना नफलों तो फारग हो के बेटा फजर जड़ी है पहली फजर काजब हुई है, उन्हें आखिर नहीं अजय नहीं हुई पढ़ दे, उस वे सिर्फ सारे जिक्र छड़ देने जिहड़ा कुरान ने आख्या आप क्या कई जगह मुस्तगफिरीन बिला सहार, अल्लाह के बंदे जो जिहड़े सहर दे वक्त अल्लाह को माफिया मंगी, हर वक्त माफी ठीक है मगर उस माफी नाल भी कोई गल, हंगामे सुबह आखरे शबा गरीस्तन, फजर का वक्त होन बड़ा होवे आखिरी रात होवे, आंदा इहदे नाल की हुंदा नूर आवरत बसीना ज़ुल्म बरत दिल, सीना च नूर उतरदा ते अंधेरे दूर हो जाए, पढ़ के वेखे सी पखंड बने हो करो आके कोई दीन की खिदमत नहीं, दीन उ है जो अल्लाह के रसूल दस के गया। इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह फरमाउंदे और जिस शह ने पहला उम्मत को दुरुस्त किया उन तो छड़ के कोई इस उम्मत की सलाह और बेहतरी नहीं हो सकती है। किसी ने पूछा बे इमाम तू कि पढ़ता, उन्हें कहा पढ़ते ना मस्जिद नबी 36 हो रही 36 और 3 नाल वितर ए हर्रा तो पहला यजीद के जुलम तो पहला तो आ रहा पढ़ दे मैं ना रोकदा, मगर मैं 11 तो बदना कोई नहीं, अल्लाह के रसूल की वो सुनत है मैं वही पढ़नी तो घर पढ़नी और ना ही फिर मैं मैनू कोई पता नहीं है रुकूए कसीर कितों कर लिया इन रकत दुनिया ने कितों बना ली और निभाई नहीं होंगी जिस तरह पढ़ते हैं इला माशाला कोई हाल है पढ़ा यार मून से जाके पता लगता नूने ने किया कख नहीं पता लगता, बड़े बड़े आलम जड़े वो भी इसे तरह पढ़ी जाते।
ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਪੜ੍ਹਨਾ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਵੀ ਨਾ ਹੀ ਪੜ੍ਹੇ ਨਫਲ ਹੀ ਹੈ ਇਸ ਵੇਲੇ ਵੀ ਨਾ ਪੜ੍ਹੇ ਤਹੱਜਦ ਵੇਲੇ ਨਾ ਪੜ੍ਹੇ ਰੋਜ਼ੇ ਦੇ ਪਰ ਬਣਾ ਕੱਢੀ ਕੋਲੋਂ ਮਸਲੇ ਬਣਾ ਲਿਆ ਫਿਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਡਰਾਉਣ ਲਈ ਕਹੋ ਇਹ ਤਾਂ ਰੋਜ਼ੇ ਦੇ ਪਰ ਹੈ ਤਰਾਵੀ ਨਾ ਪੜ੍ਹੀ ਤੇਰੇ ਰੋਜ਼ੇ ਕਿਵੇਂ ਹੋਣ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਹਿਤਾ ਅੱਜ ਤੂੰ ਤਰਾਵੀ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹ ਸਕਿਆ ਹੁਣ ਤੇਰਾ ਰੋਜ਼ਾ ਹੀ ਉਹ ਜ਼ਾਲਮੋ ਕਿਹੜੇ ਦੀਨ 'ਤੇ ਗੱਲਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਇਹ ਨਫਲ ਇੱਕ ਅਲੱਗ ਆ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਤਾਕਤ ਹੈ ਕੋਈ ਜਵਾਨ ਹੈ ਪੜ੍ਹ ਬੁੱਢੇ ਡੇਰੇ ਰੋਜ਼ੇ ਹੀ ਰੱਖ ਲੈਣ ਥੋੜ੍ਹੀ ਗੱਲ ਆਮ ਵਾਲੀ ਹਜ਼ੂਰ ਨੇ ਸਿਰਫ ਰੋਜ਼ੇ ਮੁਕਰ ਕੀਤੇ ਦੁਨੀਆਂ ਇਹ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਨਫਲ ਵੀ ਪੜ੍ਹ ਸਕਦੇ ਪੜ੍ਹ ਲਓ ਇਤਕਾਫ ਕਰ ਸਕਦੇ ਉਹ ਜ਼ਾਇਦ ਕੁਛ ਵਾਧੂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਕਰੇ ਮਗਰ ਲਾਜ਼ਮੀ ਨਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕੋਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਮੈਨੂੰ ਗੈਰ ਅਜ਼ੀਮਾ ਕੋਈ ਸਖ਼ਤ ਹੁਕਮ ਨਾ ਦਿੱਤਾ ਜ਼ਰੂਰ ਪੜ੍ਹੋ ਸਵਾਬ ਦੱਸਿਆ ਇਸ ਪਾਰੋ ਆਖਰੀ ਹਿੱਸਾ ਰਾਤ ਉਸੇ ਰੋਣਾ ਅੱਲਾਹ ਕੋ ਮਾਫ਼ੀ ਮੰਗਣੀ ਨੂਰਾ ਵਰਤ ਬਸੀਨਾ ਉਹ ਜ਼ੁਲਮਤ ਬਰਤ ਦੇ ਮੌਲਾਨਾ ਅਮੀਨ ਅਸਲਾ ਇਸਰਾਈ ਜੱਲਾ ਰਹਿਮਤ ਉਹਨਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਤਸਕੀਆ ਨਫਸ ਉਸ ਵੇਲੇ ਜਾਂ ਅੱਲਾਹ ਜਾਗਦਾ ਜਾਂ ਉਹ ਜਾਗਦਾ ਜਿਹਦਾ ਨਸੀਬਾ ਜਾਗਦਾ ਵਰਨਾ ਉਸੇ ਇਬਲੀਸ ਹੀ ਸੌਂ ਗਿਆ ਉਸੇ ਨਹੀਂ ਸ਼ੈਤਾਨ ਤੰਗ ਕਰਦਾ ਕੁੱਟ ਸ਼ੈਤਾਨ ਨੇ ਉਸੇ ਕੀ ਕਰਨਾ ਉਹ ਵੀ ਖਬੀਸ ਆਪਣੇ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਦਜ਼ਾਨੀਆਂ ਵੱਲ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ ਜਿਹੜੇ ਐਸਾ ਕੰਮਾਂ 'ਚ ਲੱਗੇ ਨਮਾਜ਼ੀ ਨੂੰ ਛੱਡ ਜਾਂਦਾ ਹੈਂ ਅੱਲਾਹ ਨੇ ਇਸ ਵੇਲੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਰਾਤ ਦੀ ਨਮਾਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਨਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਫਰਿਸ਼ਤੇ ਹਾਜ਼ਰ ਹੁੰਦੇ ਆ ਦਿਲ ਲੱਗਦਾ ਬੜੀ ਪਿਆਰੀ ਹੈ ਮਗਰ ਇਹਦੇ ਕਰਨ ਵੱਲ ਕੋਈ ਆ ਇਸ ਨਬੀ ਅਲੈਹਿ ਸਲਾਮ ਫਰਮਾਇਆ ਅੱਲਾਹ ਆਂਦਾ ਰਹਿਣ ਦੇ ਤੀਸਰਾ ਐਸਾ ਜਦੋਂ ਰਾਤ ਦਾ ਹੋਊਗਾ ਨਾ ਉਸ ਵੇਲੇ ਮੈਂ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਕਚਹਿਰੀ ਲਗਾਊਂਗਾ ਆ ਜਾਈ ਜੋ ਮੰਗਣਾ ਤੇਰੀ ਝੋਲੀਆਂ ਭਰ ਦਿਆਂਗੇ ਦਾਮਨ ਤਰ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਹਰ ਸ਼ਾਇਦ ਤੇਰੇ ਨਸੀਬ ਹੋ ਜੂਗੀ ਤਾਂ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਤੋਫੀਕ ਦੇ ਜੋ ਅੱਲਾਹ ਰਸੂਲ ਦੀ ਦੱਸੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਆ ਜਾਓ ਨਾਲੇ ਆਸਾਨੀ ਕਿ ਖਾਣਾ ਹਜ਼ਮ ਕਰ ਸੌ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਅੱਲਾਹ ਨੇ ਜ਼ਰੂਰ ਤੰਗ ਕਰਨਾ ਸਾਰੇ ਦਿਨ ਦੇ ਰੋਜ਼ੇ ਰੱਖੇ ਹੁਣ ਖੜੇ ਕਰ ਲਓ ਕੋਈ ਗੱਲਾਂ ਨਹੀਂ ਹਜ਼ਰਤ ਅਲੀ ਯਾਰ ਉਸਮਾਨ ਇੱਕ ਦਿਨ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰਲੇ ਹਜ਼ਰਤ ਉਮਰ ਨਹੀਂ ਰਲੇ ਕੋਈ ਵਿਖਾਵੇ ਕਿਹੜੀ ਤਰਾਵੀ ਪੜ੍ਹੀ ਉਹਨੇ ਹਾਂ ਦੁਨੀਆਂ ਨੂੰ ਦੁਆਈ ਦਿੰਦੇ ਰਹੇ ਕਿ ਖੁਦਾ ਦੇ ਬੰਦੇ ਉਹ ਪਿਛਲੇ ਵੇਲੇ ਪੜ੍ਹੋ ਨਹੀਂ ਲੋਕ ਸਾਡੇ ਤੇ ਪੜ੍ਹਦੇ ਫਿਰ ਬੇਟੇ ਉਹਨਾਂ ਦਿਨ ਅਬਦੁੱਲਾ ਬਿਨ ਉਮਰ ਰਜ਼ੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਅੱਜ ਹੀ ਹਵਾਲਾ ਲੈ ਕੇ ਗਿਆ ਕਿਸੇ ਪੁੱਛਿਆ ਬਰਾਲਾ ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਕੁਛ ਆਉਂਦਾ ਹੀ ਕੁਰਾਨ 'ਚ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਹਾਂ ਕੁਛ ਸੂਰਤਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਅਤੇ ਫਰਮਾਇਆ ਬਜਾਏ ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਤੂੰ ਖੋਤੇ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖੜਾ ਰਵੇ ਖੋਤਾ ਆਖਿਆ ਕਿ ਗਲੇ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਿੱਛੇ ਖਾਮੋਸ਼ ਖੜੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਸੱਲੇ 'ਚ ਹੀ ਬਹਿ ਤੇ ਡਾ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਘਰੋਂ ਛੋਟੀ ਛੋਟੀ ਸੂਰਤਾਂ ਪੜ੍ਹ ਤਵੱਜੋ ਨਾ ਤੋ ਦੀਨ ਕੁਛ ਆ ਆਪਣੀ ਤਰਫੋਂ ਹੀ ਜੀਨ ਬਣਾਇਆ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਕੁਰਾਨ ਪੜ੍ਹਨੀ ਹੋਰ ਵਕਤ ਬੜਾ ਕਿ ਦਿਨ ਹੈ ਤਹੱਜਦ ਦੇ ਵਕਤ ਆ ਫਜ਼ਰ ਨੂੰ ਕੁਰਾਨ ਖੋਲੋ ਤਫਸੀਰ ਲਓ ਤਰਜਮੇ ਲਓ ਪੜ੍ਹੋ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਮਦਦ ਫਰਮਾਊਗਾ ਐਵੇਂ ਤੰਗੀਆਂ ਨਾ ਦਿਓ ਬਹੁਤ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਕੰਮ ਗਾਂ ਤੋਂ ਗਾਂ ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਵਰਵਤ ਸਲਮੀ ਅਨ ਅਹਿਮਦ ਅਬਿਨ ਅਬਿਲ ਹਵਾਰੀ ਇਹ ਹੁਣ ਤਫਸੀਰ ਰੂਹਲ ਮਾਨੀ ਹੈ ਇਹਦੀ 14ਵੀਂ ਜਿਲਦ ਔਰ 180 ਸਵਾ ਅਹਿਮਦ ਬਿਨ ਅਬਿਲ ਹਵਾਰੀ ਬਸਰੇ ਦੇ ਕਾਲਾ ਬੈਣਾ ਨਾ ਫੀ ਬਾਦ ਤਰੋ ਕਾਤਲ ਬਸਰਾ ਇਸ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਸਾਕਾ ਦਾ ਮੈਂ ਬਸਰੇ ਦੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤੇ ਮੈਂ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣੀ ਇੱਕ ਆਦਮੀ ਨੇ ਚੀਖ ਮਾਰੀ ਹੈ ਅਕਬਰ ਤੂੰ ਨਾ ਹਵਾ ਪਰ ਆਇਆ ਤੂੰ ਰਾਜਨ ਕਰ ਖਰਾ ਮਖਸ਼ੀ ਨਾ ਡਰ ਮੈਂ ਉੱਧਰ ਮੁਤਵਜੇ ਹੋਇਆ ਤੇ ਵੇਖਿਆ ਕਿ ਇੱਕ ਆਦਮੀ ਬੇਹੋਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਡਿੱਗਿਆ ਕੁਲ ਤੋਂ ਮਹਾਜ਼ਾ ਮੈਂ ਆਖਿਆ ਕੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਪਕਾਲੂ ਕਾਨਾ ਰਾਜਨ ਹਾਜ਼ਰ ਕਲਬ ਉਹਨਾਂ ਆਖਿਆ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜੇ ਕੁਰਾਨ ਸੁਣਦੇ ਰਹੀਏ ਤੇ ਕਾਂਸੂ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਕਦੀ ਉਹ ਰੋਏ ਨਹੀਂ ਇਹ ਹਾਜ਼ਰ ਉਲ ਕਲਬ ਆਦਮੀ ਹੈ ਸੱਚਾ ਮੋਮਨ ਹੈ ਫਸਾਮਿਆ ਆਇਆ ਤਮ ਮਿਨ ਕਿਤਾਬ ਅੱਲਾ ਕੁਰਾਨ ਮਜੀਦ ਦੀ ਕਹਿ ਤੇ ਨੇ ਸੁਣੀ ਆ ਫਖਰਾ ਮਖਸ਼ੀ ਨਾਲ ਬੇਹੋਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਡਿੱਗੇ ਕੁਲ ਤੋਂ ਮਾਹ ਆ ਮੈਂ ਆਖਿਆ ਕਿਹੜੀ ਆ ਤਾਂ ਫਕੀਰ ਕੌਲ ਉਤਾਰਾ ਆਲਮ ਯਾਰ ਲਦੀਨਾ ਮਨੂ ਅਨ ਤਖਸ਼ਾ ਕਲੂਬਮ ਲਜ਼ਿਕਰ ਅੱਲਾ ਇਹੋ ਹੀ ਆਇਤ ਕਿ ਕਦੋਂ ਵਕਤ ਆਉਣਾ ਤੁਸੀਂ ਖੁਦਾ ਦਾ ਕਲਾਮ ਸੁਣ ਕੇ ਡਰ ਜਾਓ ਤੇ ਤੌਬਾ ਕਰ ਲਓ ਫਾਫਾ ਕਰੇ ਜੁਲਿਮ ਦਾ ਸਮਾਇ ਕਲਾਮ ਇਨਾਫਾਨ ਸ਼ਾਇਕੂਲ ਬੰਦਾ ਸਾਡੀ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣ ਕੇ ਹੋਸ਼ 'ਚ ਆਇਆ ਫਿਰ ਉਹਨੇ ਅਰਬੀ ਦੇ ਸ਼ੇਰ ਪੜ੍ਹੇ ਉੱਧਰ ਹੁਣ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ ਸੁਮ ਕਾਲਾ ਇਸ਼ਕਾਲ 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 ਫਿਰ ਉਹਨੇ ਇਹ ਹੀ ਆਖਿਆ ਔਖਾ ਕੰਮ ਔਖਾ ਔਖਾ ਖਰਾ ਮਖਸ਼ੀ ਨਾ ਲੈ ਫਹਰ ਰੱਖਣਾ ਫਾਇਦਾ ਮਈ ਫਿਰ ਤੇ ਗਿਆ ਬੇਹੋਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਹਿਲਾਇਆ ਹੈ ਨਹੀਂ ਮਰ ਚੁੱਕਾ ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਅੱਲਾ ਕੰਮ ਤੇ ਔਖਾ ਇੰਨੇ ਕਰ ਚੁੱਕਾ ਗੁਨਾਹ ਹੁਣ ਕੀ ਬਣੂੰਗਾ ਇਸ ਤੋਂ ਪੁਰਾਣੇ ਮਜੀਦ ਅੱਲਾ ਦੇ ਰਸੂਲ ਦੀ ਹਦੀਸਾਂ ਪੜੀਆਂ ਮੈਂ ਤੌਬਾ ਔਰ ਇਸਤਿਗਫਾਰ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਿਆਰਾ ਅਮਲ ਕੋਈ ਹੈ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਅੱਲਾ ਦੇ ਰਸੂਲ ਇੱਕ ਮਜਲਿਸ ਬੈਠਿਆ 70 ਵਾਰੀ ਜਾਂ 100 ਵਾਰੀ ਆਪ ਅਸਤਗਫਿਰੁੱਲਾਹ ਵਾ ਤੂਬਿਨ ਮੇਰਾ ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਹਾਲ ਅੱਲਾ ਦਾ ਪਾਕ ਪੈਗੰਬਰ 100-100 ਵਾਰੀ ਅਸਤਗਫਿਰੁੱਲਾਹ ਵਾ ਤੂਬਿਨ ਅੱਲਾ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਮਾਫ਼ੀ ਮੰਗਦਾ ਤੇਰੀ ਤਰਫ ਤੌਬਾ ਕਰਦਾ ਕਦੀ 70 ਵਾਰੀ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਗਿਣਿਆ ਕਦੀ 100-100 ਵਾਰੀ ਗਿਣਿਆ ਇਹੋ ਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਰਹਿ ਮੈਂ ਕੋਈ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਜੇ ਇਸਤਗਫਾਰ ਤੋਂ ਸਾ ਇਮਾਮ ਹਸਨ ਬਸਰੀ ਅਹਿਮਦੁੱਲਾਹ ਦਾ ਪੜ੍ਹੋ ਏਡਾ ਵੱਡਾ ਸਾਹਬਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨੇਕ ਇਮਾਮ ਹੈ ਬੰਦਾ ਗਿਆ ਔਲਾਦ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਇਸਤਿਗਫਾਰ ਕਰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਆਖਿਆ ਰਿਜ਼ਕ ਦੀ ਤੰਗੀ ਇਸਤਿਗਫਾਰ ਕਰ 4 ਬੰਦੇ ਗਏ 4 ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਅੱਬੇ ਹੋ ਪੁੱਛਿਆ ਦੱਸੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਆਖਿਆ ਹਸਨ ਬਸਰੀ ਇਹ ਵਾਹਵਾ ਨੁਸਖਾ ਤੂੰ ਲੱਭਾ ਜਿਹੜਾ ਆਉਂਦਾ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿਣ ਗਿਆ ਕੁਰਾਨ ਪੜ੍ਹ ਸੂਰਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨੂਹ ਪੜ੍ਹੀ
और हजरत नूह अलैहिस्सलाम जरा क्या कुल तस्तगफिरु रब्बकुम इन्नहू काना गफ्फारा। अल्लाह तआला ने आख्या नूह अलैहिस्सलाम कौम नू आख्या मेरी कौम रब को माफिया मंग लो, रब बड़ा बख्शनहार है। युरसिल समा अलैकुम मिदरारा, जे बारिशां रुकियां ते मूसलाधार बारिशां होणगियां। वयमदकुम बेमवारे मबनीन, ते बड़ी औलाद देऊगा ते माल देऊ। सारा पढ़ पढ़ के दस्या कुरान की आंदा, रुकावट ते कोई है, दरवाजे नूं कुंडी लग गई है, माफी नहीं मंगदे, नाराज हो चुका, माफी मंग लो, खुल जाने सारे कम। इस तो अल्लाह के पाक पैगंबर अलैहिस्सलाम फरमाया तूबा, बहुत खुशकिस्मत बंदा जिन्हें दिन क्यामत अपने नामा माल इस्तिगफार कसीर पाया, जो नेकियां खुलियां सब तो ज्यादा दर्द पाया, इस्तिगफार करता रहिंदा, तौबा करता रहिंदा। और एक तौबा का कलमा खुद कुरान ने आप सूरा जड़ी है मोमिनून दे आखिर ते नहीं सिखाया, जिथे मुक्की है सूरत वकुर रब्बे फिर वरहम वानता खैर राहिम। और जो आप रब आख्या इदा दरखास्त दे, एक तो असी सोचनी ना किवें आखिए, अल्लाह खुद कुल सूरत इथे मोमिनून मुक्की है, और क्या कर पड़िया मानसा रब्बे फिर वरहम, ए रब मैनू माफ कर दे, पहला तो मेरे गुनाह छड़ना, ते बार हम मुड़ के रहम कर, मैनू नेकियां दी तौफीक दे। अंता खैरुर रहमीन, तू सब तो आला रहम करना, ए नहीं भी होर भी कई रहम है गलत है, रहम कर मैं थोड़ा दिता दूजे ने ज्यादा दिता, नहीं अल्लाह जो दिंदा ना खैर रज़कीन खैर, वह दूजिया का मुकाए तर्जमा ना करो करो रिस्क देने वालों से बेहतर, नहीं बेहतरीन रिस्क देने वाला उन्हें जो देना ना, थोड़ा नहीं देना। समुंदर से मिले प्यासे को शबनम, ये बखीली है ये रज़्ज़ाकी नहीं है, है? समुंदर तो आदमी जाए लैन तो समुंदर त्रेल दे दे, इन्ना भरया त्रेल ले जा गुजारा, समुंदर से मिले प्यासे को शबनम, बखीली है ये रज़्ज़ाकी नहीं है। ये कभी है रज़्ज़ाकी खुदाई ना हो या कंजूसी, अल्लाह कभी भी नहीं ऐसा कर रहा, खैर रज़्ज़ाकीन खैर रहमीन, उन्हें जो रहम करना तो इन्ना करना भाई मुख मानो पर सब कम पार हो जाने। अल्लाह के रसूल अलैहि सलाम तशरीफ फरमा सी, बुढ़ा आया उम्र गुजर चुकी, उन्हें आख्या अल्लाह के रसूल अलैहि सलाम मेरी भी तौबा कबूल हो। हजूर ने फरमाया क्यों? कह लगा अल्लाह के रसूल कोई गुनाह दुनिया से ऐसा नहीं जड़ा मैं नहीं की, मेरा ख्याल है ये सारा रब बख्श दे मैनू नहीं बख्शा। तो हजूर पाक अलैहि सलातो सलाम तो दुनिया अचन चे तबीब हकानी खोले राज निहानी, दर्द मंदा दे रोग गवाए फैज बंदे रफानी। अल्लाह दे रसूल ते एक दुकान खोल दिती, जिन्हें बीमार है मतलब खोल गया क्लीनिक खोल, करा लो आप अपने इलाज। जब बाबे आख्या तो रोया, तो रसूल ने पूछा कि बाबा तू एक गवाही देती है कि अल्लाह तो सिवा कोई खुदा नहीं हो वहदा उला शरीक, तो मैं अल्लाह का बंदा रसूल है। उन्हें आख्या हाँ अशहद अल्लाह इलाह इल्लल्लाह वहदा उला शरीक वा अशहद अन्न मुहम्मद रब्बुल आलमीन। आपने बोला बाबा जी सब बख्शेगा, और बख्श के अल्लाह ने उत्थे नेकियां लिखियां। वो हैरानी ना उन्हें आख्या वे सारे, जोर ने फरमाया हाँ सारे। तो हदीसे पाक जाऊंगा नारे मारदा अल्लाह अकबर जंगल में दौड़ गया, उन्हें आख्या वाह ऐसा रब है, रसूला ऐसे जी खबर ले आया, इस तो रब के दरवाजे से आ जाओ, कोई किसी को दत्कारदा नहीं, किसी को धक्के नहीं देता, आवाज ना देना। सुभानम अल्लाह यजाद वाला कसरत इला खैरम वजूदा। इमाम फरमाउंदे दुआ है कि अल्लाह हुआ सुभान अल्लाह यजाद अल्लाह कसरा चलता अल्लाह करम मौजूद है, और दे के बंदे तंग पै जाते हैं भी थोड़ा दिता यार जाने जा, वो ऐसा करीम है ऐसा सखी है कि ज्यों दो जिंदा खुश हों ना हो लज्जते जूल से फिर मांग सिखाया मुझ, तू वो दाता है कि शेर ही नहीं देने से तुझे, और किड़े किड़े शेर पढ़ा अल्लाह दे नेक बंदे रब भी चाली किले, तू वो दाता है कि शेर ही नहीं देने से, शेर ही आते बस करना रख, तू दाता लभदे फिर दे, और दाते को की है आप खुदाते बंदे, दाता उन्हों मनो जिनको सब कुछ लहू माफ समावाद माफ। फरमाया तू वो दाता है कि शेर ही नहीं देने से तुझे, तू कभी भी नहीं आखना भी बस कर, हूं लज्जते जूद से फिर मांग सिखाया मुझको, इन्ना देन चुन स्वाद आंदा आंदा फिर मांग, मैं मजा आंदा जो तेरिया तौलियां पढ़ता, यहोज करीम लोगों के खुदा दुआव नहीं सुन, भाई आप रुकावट बने जे कम नहीं चंगे करते, जो पूछा हजरत साहब बिन अली वकास ने अल्लाह के रसूल केड़ा कम करा कि मुस्तजाब दावत हो जाए, हर कोई पुछा मरना कोई नुस्खा बता दुआव सुनिए, और दुआव मैं दसनी है तेरे बेचिया हो अनाज, फरमाया तू रिजके हलाल खा तो सच बोलिया कर, दुआव कबूल ही कबूल, जो सच नहीं बोलना हराम खाना अल्लाह क्यों तेरा कुछ लगे फिर, वो क्यों तेरी सुने,
बंदा बन तौबा करदा पिछे जो होए कोई गल नहीं, मगर सच बोलना शुरू कर दे, हलाल खाना शुरू कर दे तो कौन मुस्तजा बंदा वा, बिल्कुल तू ऐसा ही हो जाएगा, तू कमेगा अल्लाह मंदा जाऊ। इस तो अल्लाह तला जिमें इकबाल एक जगह से आता कि इन्नी तरक्की करे नहीं कि हर तकदीर से पहले खुदा बंदे से खुद पूछे बता तेरी रिजा क्या, आप पूछे तू दस की करना चाहना उसके मुताबिक ही शुरू कर। अल्लाह के रसूल अल्लाह सलाम ने चाहा कि किबला जरा खाने काबे अल हो जाए है मस्जिद अक्सा की बजाय कुरान चाहा, कद नजा तकल्लुब वजे के फिसवा, अल्लाह ने प्यार ना आख्या कि रसूल मैं वेखदा रहा कि तेरा मुंह बार बार आसमान उठदा, तेरा शौक सी पहला साडा जरा असल किबला है मेरे बाप इब्राहिम अलैहि सलाम का उधर मेरा मुंह कराए, कद नजा तकल्लुब वजे के फिसवा, पहला नवर ले जन्ना का किबला तन तरदा जेड़ा किबला तेन चंगा लगता ना अभी उधर ही हूं तेरा मुंह करा देने। खुदा बंदे से पूछ खुद ही को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले खुदा बंदे से खुद पूछे बता तेरी रजा क्या, खुदा ने क्यों नाराज करना बंदिया नहीं सब कुछ हो गया, खुदा ने बड़े बंदा बंदा बड़े मंगे उसको। इस तो हदीसे पाक के अंदर कुरान पाक पढ़िया आया बे तौबा कर लो माफी मंग लो, चार दिन लंघ गए जे अड़ीक दे सी आना आ गए हूं चार दिन चला हुई है और नठा जाता अगले जुमे तक ग्यारह दिन लंघ जाने, इस तो यह पिछा मोड़ के तुर पिया असी लभदे रहना रमदान शरीफ चले जाना। और दुआ जी हजरत जाबिर बिन अब्दुल्ला जी तुम दसी कई बार बयान की सारे उन्होंने पले बनो अल्लाह मला तजलो आखिर मैं सियाद आईया अल्लाह मेरे रोजे जड़े ना रमदान शरीफ आखिरी ना करी फिर मौका नहीं वैन जलता ते जे तू फैसला कर दिता बे आखिरी है मेरे फजल नहीं मरहूम वाला तजल नहीं महरूम तो फिर मैंने उन्होंने चो कर दे जिना रहमत हो गई है बदनसीबा चो ना करी कि गुजर भी जाए तो मैं महरूम तो खाली रह जा ऐसा बदबख्त ना वा चोली फिर रहमत ना भर दे अल्लाह मेरी तुहाड़ी मेरी भैन मावं सब दियाँ चोलियाँ अपनी रहमत ना भरे सब दियाँ मुश्किल और मसले हल करे मुल्क दे हालात भी दुरुस्त करे आलम इस्लाम ते करम करे मगर इलाज साढ़े अपने अंदर है बाहर कोई नहीं असी तौबा करिए दरवाजे से आ जाइए तो सारा किस्सा सीधा ही सीधा है रहमत ये चाहती है कि अपनी जबान से कह दे गुनाहगार के तकसीर हो इन्ना ही तो मंगला तू कह दे गलती हो और कुछ नहीं तेरे को मुआवजा नहीं मन जा के बुरा है अल्लाह माफ कर दे हो जानी माफी मोती समझ के शान है करीमी ने चुन लिए कतरे जो थे मेरे अरके ख्याल जो शर्मसारी ना इतने पसीना आ गया तो कीता की है अल्लाह ने आख्या संभाल के कतरे रख लो ए मोती मैं इन्हों की कदर करूंगा। हजूर पाक सलात वसलाम ने फरमाया दो अखा जड़ियां अल्लाह ने अग हराम करती के नहीं मैं दो दुख जान देनी आया बकत मैंने खशिया चिल्ला एक अख जड़ी लोगों के सामने नहीं कल्या सोचा अपने गुनाह याद किए तो अखा चो आंसू बै फरमाया भावे मच्छर के सिर जिन्ना ही निकलिया और दूसरा और अख जी सरहद का पहरा दें मुसलमान हुकूमत की हिफाजत करद जे सिपाही पहरा दें रहे और जाग के रात गुजारी अल्लाह पाक उन्होंने भी आंदा मेरे मुल्क की हिफाजत करते रहे मुसलमानों के मुल्क अल्लाह दियाँ मस्जिद यह बदकिस्मती ने डाकू बह गए ये कसूर साढ़ा जिसे पर इन्होंने जालमान ने कब्जे कर लै वरना यह बिल्कुल जिमें आ मस्जिद तुम अदब करो ये सारा पाकिस्तान शाम सऊदीया जे मुसलमानों के मुल्क हो यकीन जाणो ये मस्जिद की तरह पाक इलाके है बदमाश बह गया तो भाई कसूर साढ़ा असी उन्होंने सरदार मनिया वरना इन्हों की हिफाजत करनी एडी है पर मैं जी अख हिफाजत करद पहरा देंद जागती रही तो जी खुदा दे खौफ ना रोई अल्लाह ने उत्ते दुध हराम कर दी आखिर दावाना अलहम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन व सल्लल्लाहु तआला खैर खल्क़ी मुहम्मद व आलिही सहबिह अलहम्दुलिल्लाह अलहम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह वसलामुन अला इबादिल्लज़ीन सफा रमजान मुबारक का पहला जुमा और ये जुमे सारे बुक हो चुके सारे लोगों ने मैं जवाब देता कि पहला जिन्हें जिन्हें आखना से उन्होंने अपना अपना हक जरा मना लिया तो इंशाअल्लाह आखिरी जुमा साढ़े अपने कारी साहब का होंगे अल्लाह ताला उन्होंने रहम फरमाए बाकी तीन जुमे जे आलमाना तय होगी जिन्हें जिन्हें की बारी है वो मैं बयान करता जाऊँगा। अज का जुमा है मेरे ना ही खाते कल ही मौसूल होया मेरा शागिर्द है मेरा दोस्त है ये नवे लाहौर बिल्कुल सड़क से दुकान है बहुत अच्छा तबीब रकीम मैं वैसे भी चाहता सर मैं जिस बंद बरसर फुर बेरी है बिल्कुल आराज ऐसा
लोहे जली कला के हुक्म ना आप तैयार करता भी ये बर सर कोट जरा ना अल्लाह तला शिफा दिता जिन्हों लोगों ने बीमारी भी रजू कर यह हकीम उस्मान आबिद मेरा बच्चा आलम है अपना वह प्लाट से पंज मरे का मैं आप जी वे कर गया प्लाट भी वेखिया कई बंदे भी मेरे नाल गए थे इस तो पहला हक यह है ब्याज असी अपने भाई उस्मान आबिद की मदद करिए आया सदका जरा उस हिस्सा कढ़ो जकात सदकात वगैरह वो मस्जिद बनाना चाहते और छत पाना है जी लिखा कि कम अज कम अंदाजा हूँ 2 लाख रुपया रेट बढ़ गया तो अल्लाह तौफीक दे तो आपसे मोहब्बत की दरख्वास्त है अल्लाह की रहमत के साथ साथ तरी मदद आपके तहत काम शुरू किया जिसमें आपकी मोहब्बत की बहुत ज़रूरत है बड़े प्यार और मोहब्बत ना लिखे अल्लाह तौफीक दे बिल्कुल अपनी जेबा चो कढ़ो इमदाद करो ये मस्जिद जी सदका जा रही है जब तक क्याम तक रहेगी मस्जिद और मदरसा इन शाला मैनू तुम्हें अजर मिलता रहूगा आलम है पूरा आलम एक तैवें मौली तुरे फिर देना मंगण का बहाना बना नहीं सही मान है अरबी जबान का आलम है हकीम उस्मान आदम उत्ते ही रोड से बैंक के नाल दुकान सुफियान दवाखाना खुद दवाइया तैयार कर दे काबिल तबीब है अल्लाह तआला तौफीक दे ये साथी इकट्ठा करो अज का जुमा उन्हां लई रमजान मुबारक खैरात कराया करो क्योंकि अल्लाह के रसूल अल्लाह सलाम का फरमाया हर जमाने आप बड़ी सखावत करते थे रमजान से चिकर रीहल मुरसला जोर दी आंधी होंगी सी जकात जेब च लिया करो सब जायज है मस्जिद में भी जाया करो कोलों ही मसले बनाया उठे नहीं लगती बिल्कुल अधीन कोई वजूद नहीं मस्जिद भी लगती हर तरह दे दया करो जकात भी दो होर भी सदकात दो अल्लाह कबूल करे मौलाना दा किताबा जिहड़ियां लाया सी वह उन्हां दा है ऐलान मौली फकीरुल्लाह साहब है किताबा लै लिया करो यह तहरीके इस्लामी का इजतमा जिस तरह हुंदा परसों बरोज पार मरखा 7 नवंबर 9:30 बजे पहला टाइम 8:30 बजे शुरू होगा अहबाब शिरकत फरमाएं दूसरा ऐलान तहरीक इस्लामी के ज़कात फंड में तमाम हजरात अपनी ज़कात में से कुछ हिस्सा ज़रूर जमा कराएं ताकि मरीजों और गरीबों की मदद की जा सके गरीब तुरबा की मदद की जा सके मकरूज की कर्जा से जान छुड़ाई जाए बिल्कुल ये भी बहुत अच्छा मसला है। कुरान मजीद का तर्जमा बा मुहावरा जो तमाम मुकातबे फिक्र के यहाँ तस्लीम किया जाता है मौलाना फतेह अहमद जालंधरी रहमतुल्लाह का कुरान मजीद का उर्दू तर्जमा फतेह लंबी बार स्टार से हासिल करें इसके अलावा हम इस्लामी कुतुब बरमा नामा इल्म आ गई बार स्टार से हासिल करें शुक्रिया मदनी मदनी साहब बैठे हैं इन्होंने नई किताबों का स्टार लाया तो कुरान मजीद जरा फतेह हमीद मौलाना फतेह अहमद जालंधरी का मैं सब दोस्तों आता रहना होर कुरान मजीद जो उनके बारे किसी का झगड़ा कि यह नहीं झगड़ा ये सारे मुसलमान मनते टीवी से भी तर्जमा आता बहुत सलीस है सादा तर्जमा ऐसा भी हर बंदा पढ़ी जाए थोड़ा पढ़िया भी समझ आता तो रमजान शरीफ से लै लो जिद को नहीं इस कुरान मजीद को हासिल करके ये मुताबिक कुरान मजीद को पढ़ना समझना शुरू करो ये तर्जमा फतेह लंबी लैन आना जी जेड़े लोग नहीं खरीद सकते उन्होंने कोई दूजा ही लैके दे दिया करो अल्लाह ताला मदद फरमाए कबूल फरमाए। आपने नमाज तरावी जाम तौर पर अदा की जाती इसकी मरम्मत की मरम्मत नहीं की हर बाशूर आदमी है और मुसलमान इस तकलीफ को महसूस करता करते रहें लेकिन जो काम खास भी नहीं कर रहे वो रमजान मुबारक जो कि कुरान का महीना है इसके हकूक और नहीं अदा नहीं कर जब तक इसको समझने की जो देनी होगी कैसे इसके हक अदा करें। बेहतर होता कि आप इन बरातों में कुरान से जुड़ने की तरकीब मैं किस तरह मैं दया जेड़े भी लोग इन्होंने दिन जलसे कर दे दर्श दें रात बिल्कुल जुर्म कर दे अल्लाह के रसूल तो बाद कुरान के खैर खा सहाबा किसे नहीं इन्हें रात खुदा का नाम मनो तर्जमे छड़ जाओ कोई दर्श ना दे कोई गल नहीं रात इबादत दी ये जुड़ता यह कि नफल पढ़ो अपने अपने कल और अलहदा फिर बैद साफ से रसूल आने 3 दिन पढ़ी की फरमाया आखिर फसल लुआई उन्नासी व्यू तक लोग अपने घर नमाजा पढ़िया करो फैनना सलाह चल मरे थी बैते मकतूबा फर्जा तो इलावा सा बाकी सारिया नमाजा घर बेहतर क्यों खराब कर दे उस घर किसी खलीफा राशिद ने पढ़िया मजम्मत की करनी कम हो रहा हों फिर मगर जिमें शाह इस्माइल शहीद रहमतुल्लाह इजाज़ हक शरीर चाहिए कि जो इस तरावी कहूगा कि तहज्जुद ना चंगी है या बराबर वो बिदअत है कि क्या पक्का ठप्पा लगेगा बिदअत का फरमाते जरा बानी है इस तरावी का उन्हें की क्या जो खुद आते हजरत उमर कहते हैं पिछली रात अफसर तुम कौन जो वे वकील मसला नहीं छुपाया जा रहा कोई नाराज हो राजी ना ही कुरान जी के पढ़ने के दिन है दिने पढ़ो इन या रात को पढ़ना अपना पढ़ो तर्जमे वेखो तफसीर वेखो उत्थे सवाल पैदा होवे तुहानू ऐलान करता सी पिछले दिन इस महीने कोई बंदा फतावा ऑनलाइन दी इत्थे मैनू सवाल वजू नमाजा ना करे ना दाड़ियां दा करे कुरान कर कुरान पढ़ पढ़ के निशान दो क्या आयत नहीं समझ आई बाकी कुरान की तरफ ही आना चाहिए मगर वह तरीका उ जरा अल्लाह के रसूल है कदों ये दर्श होया कौन रातों इस तरह दर्श देता फिर लोग नवाफिल पढ़ते थे रोजे रखते थे इतकाफ करते तो सुन्नत तो हट के कोई शायद जी दीन कोई नहीं
बाकी मेरे बारे तुसी ये समझ लो कि मैं किसी की रजा नाराजगी की परवाह नहीं करना, मेरे चल अल्लाह का करम है। मैं नहीं जानता भी कौन मस्जिद आया भी कौन हट गया, कभी नहीं पूछा भी किधर गया इड़ा चौधरी, चला गया चला गया, उसकी किस्मत। इतने जिन आना तालिब इलम बन के आओ, सीखो, हवाला लाओ, वो मुताबिक गलू सोचो, अल्लाह के रसूल जो कुछ किया उन्होंने करो। है पहला मदीने वाले ने पंगा लिया कि 20 तो बाद 36 चल पै, मुड़ के कई निकले जो 47 चल गए। पर तुम यार अल्लाह के दीन के बहुते खैर खा दे अल्लाह के रसूल। जो तो उमर मोमिन आयशा रज़ी ने पूछा कि रसूल रमदान शरीफ की पढ़ते, फिर मैं कि रमदान की गया रमदान 11 रकतों के बाद हजूर ने रात को कोई नमाज नहीं पढ़ी, बस वह ही रही है हमेशा। अरे बड़ा वड्डा मौलवी मर गया, अल्लाह रहम फरमाए, मौलान यार गुजराती बरेलियां च दो बंदे बड़े ही झूठे हुए, खुदा उन्होंने माफी दे, कुछ आलम भी हुए झूठे हुए, मोहम्मद उमर और अहमद यार। तो साला लिखा तरावी से उसके बिच फारसी इबादत लिखी, तर्जमा नहीं किया। मदारज उन नबूवत शेख अब्दुल हक मुहद्दस दे दी, जो शेख लिखता तहकीक है कि रसूल्ला की नमाज इस महीने कोई नमाज नहीं थी सिवाय नमाज तहज्जुद के मुताबिक, जी तहज्जुद की नमाज हमेशा हजूर जी याद थी वो ही सी। और याद दे रख 11 रखना। हाँ यह अगला खुतबा इंशाअल्लाह इत्थे देना ताकि ना इस बारे च कुछ चीज़ा रिकॉर्ड हो जाए कि सुन्नत बिल्कुल वही है 11 रखना, कोई होर शह नहीं सुन्नत। हाँ बाकी हजरत उमर जी ने हुक्म दिता 11 का, लोग गां तुर पे तुरे पे, हजरत उमर ने आख्या 11 पढ़िया करो। ये भी हदीस होनी पक्की सही, उन्हें आप की आख्या लोग अपने पैरों में फसे पे कुरान की 100-100 आयत पढ़नी कारी ने लाठियां लैके खड़े होना लत्तां थक जानियां, उन्हें क्या यार नफल नमाज है, नफलों की कोई हद होंगी, रकातां वधा जाओ तो आयतां थोड़ी कर लो, सह आ जाए चल पै, फिर 12 फिर 16 फिर 20 फिर 24 फिर 28 फिर 32 फिर 33 तुरे रह, कौन डकदा नफल घूमना। मगर यह सुनत कोई नहीं, सुनत वो ही है जो अल्लाह के रसूल अल्लाह सलाम ने पढ़ी। 11 हनफी भी खाऊंगा बरेली भी खाऊं, जो बंदी ब्याह में सच्ची गल में छिपाओ ना, बाकी जो करता आपे अल्लाह को जाके भाई साहब दो, जो कुछ अल्लाह के रसूल अल्लाह सलाम किया सारी की गलते खत्म करा, बजोह दो बरा कोसो सिदको सफा वलेकन में अफजाए बर मुस्तफा, जिन्ना मर्जी नेकियां की कोशिश कर मगर खबरदार मुस्तफा अल्लाह सलाम तो अगे ना भाई पिछे रह, उन्होंने पिछे पिछे चल। है की ही मेरा बेटा 5वां हो गया कैद में, मौलाना साहब अच्छा इंशाअल्लाह दुआ करांगा अगर बेगुनाह तो अल्लाह माफ कर उजाद फरमा दे, अल्लाह सलुक मलाए सारा रखना बच्चा, ये अगली बारी पेश करी इतने भी नहीं बल्कि फतावा ऑनलाइन से दियो, ये आयतें जड़ियाँ इतने नहीं बयान हो सके, थोड़ा जहा वक्त होंगे। अल्लाहुम्म सल्ली अला सय्यिदना व नबीना व मौलाना मुहम्मद व अला आलिहि व सहबिहि बारिक व सल्लम। اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات، اللهم انصر الإسلام والمسلمين واخذل الكفرة والمشركين، عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي.